हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि साकेत जो है वो निवेदिता से कहता है कि तुम मम्मी का तुम्हारी अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम चाहती हो कि वो मिल जाए, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि वो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे और रवि के बीच में आ रही। तुमने देखा नहीं था क्या कि वो रवि के कितना क्लोज थी? भूल गई वो सब बातें क्या? तुम क्या चाहती हो कि रवि तुमसे दूर हो जाए? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो क्यों चाहती हो? तुमने अपनी आँखों से देखा कि कितने करीब थे और इतना कुछ ड्रामा हुआ उसके बाद। तो वो सोचने लगती है कि हाँ, मैं किसी भी कीमत पर रवि को नहीं खो सकती हूँ। तो कहता, हाँ अंबिका तुम्हारी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं अंबिका को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने ऐसा किया। तो और तुम क्या चाहती हो कि दूर हो जाए? और तुम मेरी दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकती हो कि मुझे मेरा प्यार मिल रहा है तो तुम ये सब कर रही हो? और तुम्हारा भी तो रवि दूर चला जाएगा ना अंबिका अगर आ गई तो। सोचो कि अंबिका के आने से रवि को कितना फ़र्क पड़ता है ना अंबिका से। अंबिका के वो हमेशा करीब आना चाहता है और तुम्हारा तो बारे में सोचता भी नहीं है। और तुम होगी अपनी दोस्त कह कह के उसको वापस लाना चाहती हो, अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हो। हाँ, और मैं अंबिका से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और तुम प्लीज़ मेरी दोस्त हो ना, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम खुद तो रवि से दूर हो रही हो अंबिका को वापस ला के। हाँ, पहले भी बहुत कुछ हुआ, इतना अच्छा मौका आया, उसके बाद तुम ये सब कर रही हो। तो वो सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं तो साकेत सही कह रहा है कि हाँ, अंबिका के होने से रवि मुझसे दूर होने लगता है और उसके पास होने लगता है, क्योंकि मैंने देखा भी है किस तरीके से वो उसके पास जाता है, उसके पीछे पड़ा रहता है और मेरी उसको कोई फिक्र नहीं होती है। तो वो समझाता है साकेत, इधर सोचता है कि अब निवेदिता जो है कहता है, हाँ मेरी बात तो तुम सुनोगी नहीं, मैं तुम्हें कितना भी समझाऊँ कुछ भी कहूँ, लेकिन तुम खुद देखो ना, तुम्हें खुद देखा है अपनी आंखों से इतना कुछ हुआ है, अब क्यों चाहती हो तुम ऐसा कि अंबिका मिल जाए? माना कि तुम्हारी दोस्त है, वो कहती उसने मेरे पर बहुत सारे एहसान किए। कहता ठीक है, एहसान किए तो क्या तुम चाहती हो कि रवि तुमसे दूर हो जाए? तो कहती नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि रवि मुझसे दूर हो जाए। माना कि अंबिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं रवि को खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं रवि को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो साकेत कहता है, तुमने रवि को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया अपने प्यार